हाथ को सांस लिया और धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरा देखिए ऐसे ट्विस्ट करें, पहले ट्विस्ट करते हुए फिर उसके बाद अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ लें राइट हाथ से राइट पाम से और पीछे देखें, सांसों को रोक के रखें। वन, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसे योग अभ्यास जिनकी मदद से अगर आपका खाना नहीं पचता, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट की मांसपेशियां मजबूत नहीं है, कभी भी नाभि अपनी जगह से हिल जाती है और साथ ही आंतरिक अंगों पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही आपके जो गट का कनेक्शन माइंड के साथ है वो अच्छी तरीके से दुरुस्त होगा, क्योंकि इन आसनों के अभ्यास के साथ साथ मैं आपको ब्रीदिंग का पैटर्न भी बताऊंगी कि किस तरीके से इन आसनों को कितना रोकना है, किस तरीके से आपको सांसें लेनी है और छोड़नी है। और ध्यान रखिए, ये अगर समस्याएं नहीं भी है फिर भी आपको इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमारे अच्छी सेहत की निशानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे घंटी का निशान दबा दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो बहुत पसंद आ रहा है और मैं मोटिवेट बहुत ज़्यादा होती हूँ। करते हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? चलिए अब अगले आसन का अभ्यास करते हैं जिसका कि नाम है नव आसन या बोट पोज या नौका आसन, बहुत से नामों से जानते हैं। तो इस तरीके से वापस से अपने पैरों को अपनी बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ जाएं, इसको कहते हैं दंड आसन। अब धीरे से अपने शोल्डर पर अपना ध्यान लेके आएं, शोल्डर्स को धीरे से इस तरीके से रोल बैक करें। जब आप शोल्डर्स को रोल बैक करते हैं ना तो आपकी छाती बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो जाती है, अच्छी तरीके से आपको ब्रीदिंग लेने में जो परेशानी होती है ना, छाती का एक्सपेंशन जब करते हैं तो हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। अब धीरे से ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं, लीन बैक हो जाएं और दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लें। देख रहे हैं पोस्चर, ऐसे झुका के नहीं रखना है कि ऐसे सिर्फ झुक गए, स्पाइनल कॉर्ड भी झुकी हुई है, कंधे भी झुके हैं, नहीं। शोल्डर्स को रोल बैक करें, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करें, दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और अपनी नज़रों को एकदम सामने एक पॉइंट पर फिक्स कर दें। अब धीरे से अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले एक पैर को ऐसे उठाएं और एक पैर को उठाते हुए अपना ध्यान अपने राइट पैर के बड़े अंगूठे पर केंद्रित करें और सांस छोड़ते हुए ड्रॉप कर दें। सांस लें, धीरे से अपना लेफ्ट पैर उठाएं, सांसों को रोकें, एक दो तीन चार पाँच और ऐसे ड्रॉप कर दें। तो अभी हमने सिर्फ 5 सेकंड का होल्ड किया और सांसों को रोक के रखा, पैर उठाते हुए सांस लिया, जब सांसों को रोका तो पैरों को भी रोका और जब पैरों को ड्रॉप किया तो सांसों को भी ड्रॉप कर दिया। अब हम इस पोस्चर को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे और अब सांसों का पैटर्न देखिए। अब धीरे से शोल्डर्स को रोल बैक किया, दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच किया, सांस लिया और सांस अब नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, 30 सेकंड तक पोस्चर को होल्ड करेंगे। अपना ध्यान अपने राइट पैर के बड़े अंगूठे पर लगा के रखा है, होल्ड करके रखें। अब चूंकि पोस्चर को ज़्यादा देर तक रोक रहे हैं इसीलिए सांसों को नॉर्मल ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और इस अभ्यास में आपको आपकी नाभि जो है, एब्डोमिनल मसल्स जो है वो टाइट करके रखनी है ऐसे, और फिर धीरे से अपने राइट पैर को ऐसे ड्रॉप कर दें। तो आपने देखा कि जब हम पोस्चर को ज़्यादा देर तक रोक रहे हैं तो हमने सांस ली और सांस को छोड़ा और ध्यान अपनी नाभि पर रखा, क्योंकि नाभि से ही आपकी बॉडी पीछे की तरफ जो जा रही है उसको कंट्रोल किया जा रहा है और पैरों पर भी कंट्रोल लाया जा रहा है। फिर से अब लेफ्ट पैर से सांसों को नॉर्मल लेते हुए छोड़ते हुए सांस लें। अब सांसों को नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें, ध्यान नाभि पर लाएं और अपने पेट की मांसपेशियों को हल्का सा वहाँ पर कंट्रोल बना के रखें, तभी इस पोस्चर का आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अपनी अपने बड़े अंगूठे की तरफ देखते रहें, देखते रहे, देखते रहे, 5 4 3 2 1 अब इस तरीके से ड्रॉप कर दें। अब दोनों पाम्स को बॉडी के पीछे रखें, दोनों पैरों के बीच में फासला कर लें और हर एक पोस्चर के बाद आप कुछ कुछ देर तक, कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक का रेस्ट करें, रेस्ट लें। इसका नाम है स्थिर दंड आसन। आराम से ऐसे थोड़ा सा पीछे झुक जाएं, अपने सर को किसी भी एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न होके आराम से मैट पर बैठ जाएं। ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें।
अच्छी तरीके से हर रोज मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। आपको करना क्या है, आपको मेरी जो ये वेबसाइट है इस पर विजिट करना है www.yogawithshahida.com। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको क्लासेस के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, उनको उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अपनी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करवाती हूँ ताकि वो अपनी हेल्थ कंडीशन से उभर सकें और पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास कर सकें। अब ये हेल्थ कंडीशन कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ आप ले लीजिए, जैसे नींद का ना आना, थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ब्लड प्रेशर का घट जाना या बढ़ जाना, PCOD PCOS का प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन और ऐसी बहुत सी समस्याएँ जो हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण होती है। अब हमने जो ये अभ्यास कर लिया है ना एक पैर को होल्ड करने का, पहले तो हमने सांसों को कुछ देर रोका, फिर सांसें नॉर्मल लेते रहे, अब हम अभ्यास कर रहे हैं दोनों पैरों को उठाने का। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। पहला कि जब हम पॉस्चर को जब होल्ड कर रहे हैं तो सांसें भी होल्ड करेंगे और ये पॉस्चर होल्ड करना कुछ सेकेंड के लिए होगा। जब आप सांसें रोकते हैं ना तो आप और सांसें रोकते हैं और पॉस्चर रोकते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो इससे आपका माइंड और अलर्ट हो जाता है और वो इधर उधर भागता नहीं है। और जब आप सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहते हैं तो ये मदद करता है आपकी बॉडी की और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने में। चलिए दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लीजिए, दंडासन में बैठ गए, धीरे से अपने शोल्डर्स को रोल बैक किया, दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच किया और धीरे से लीन बैक होते हुए पहले एक एक पैर करके उठाए, एक पैर उठाया राइट पैर और दूसरा पैर उठाया और अपनी नाभि पर कंट्रोल रखते हुए पैर के बड़े अंगूठे को देखें, कम से कम 10 सेकंड तक पॉस्चर को होल्ड करें और नाभि पर मजबूती बना के रखें, सामने ही देखें बिल्कुल इस तरीके से, कमर गर्दन सीधी रखें और फिर धीरे से अपने पैरों को ड्रॉप कर दें, दोनों पाम्स को पीछे रखें बॉडी के। तो आप अगर दोनों पैरों से ना कर पाए तो सिर्फ एक पैर उठा के अभ्यास करें, इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अब दोनों पैरों के बीच में फासला कर लें और थोड़ी देर स्थिर दंडासन में रेस्ट करें। ध्यान रखें, पूरा ध्यान आपको नाभि पर बना के रखना है। अब हम अगला राउंड करेंगे सेम बोर्ड पोज का, लेकिन इस बार हम 30 सेकंड तक पॉस्चर को रोक रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 सेकंड तक ही रोकना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी 30 सेकंड तक रोकें। दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लिया, दोनों पाम्स को ऐसे अपने घुटने के ऊपर रख दिया, शोल्डर्स को रोल बैक किया, दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक गए, बहुत नहीं, थोड़ा सा, हल्का सा पीछे की तरफ झुके, नाभि पर कंट्रोल लेके आएं और दोनों पैरों को उठाएं, 30 सेकंड तक पॉस्चर को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4 सांसें नॉर्मल लेते रहें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब धीरे से कंट्रोल के साथ पैरों को ड्रॉप करें, दोनों पाम्स को बॉडी के पीछे रखें और दोनों पैरों को इस तरीके से अपने एक दूसरे से दूर करें और सर को किसी भी एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, या आराम से पीछे ही ऐसे ढीला छोड़ दें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अच्छा, हर एक पॉस्चर के बाद आप रेस्ट ज़रूर किया करें ताकि अगला जो पॉस्चर करते हैं ना उसको बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाते हैं और आपका कंट्रोल जो है उस पॉस्चर में बढ़ जाता है, मन भी अच्छी तरीके से उस पॉस्चर में किए जाने वाले अभ्यास में फोकस कर पाता है या उन बॉडी पार्ट्स को जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उन पर फोकस कर पाता है।
साथ ही अब हम अभ्यास कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन का। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास के लिए आपको दोनों पैरों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच करके बैठना है, दोनों पाम्स को ऐसे घुटने के ऊपर रख देना है। लेकिन ध्यान रखिए, इस अभ्यास को करने से पहले लिमिटेशन का ध्यान रखिए कि आपको अगर लोअर बैक का प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है, अगर रिसेंट कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, पीरियड्स है अभी, या कि फिर कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप इन आसनों का अभ्यास, इस पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास अवॉइड करें, क्योंकि इससे लोअर बैक बहुत अच्छी तरीके से खिंचती है, आपके पेट पे हल्का दबाव आता है, तो ये आसन आप अभ्यास ना करें। अब किस तरीके से अभ्यास करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से छत की तरफ खींचें और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं और नज़रें सामने रखें, नीचे ना देखें, सामने देखें, ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं ताकि स्पाइनल कॉर्ड आपकी लंदन हो जाए, और धीरे से सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ खींचते हुए, स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे खींचते हुए, ऐसे गोल गोल नहीं करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, ऐसे खींचते हुए धीरे 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 अपने पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ें, एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ें, अपनी छाती को थाई की तरफ ड्रॉप करें, अपने सर को अपने घुटने की तरफ ड्रॉप करें और कम से कम 5 से 10 सेकेंड सांसों को रोक के रखें। अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेके जाएं और फिर सांस लेते हुए वापस से पोस्चर को रिलीज कर दें। तो ये तो हुआ वो अभ्यास, इस तरीके से अभ्यास वो करेंगे जिनकी की आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। लेकिन वो लोग क्या करें जिनकी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, वो इतना सामने नहीं झुक सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से छत की तरफ खींचेंगे, छत की तरफ खींचें, थोड़ा सा लंबे अपनी स्पाइनल कॉर्ड को पीछे की तरफ खींचें, हल्का सा झुक जाएं, स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे गोल गोल ना करें, सीधी रखें, ऐसे कान कंधे से दूर है, सांस लिया गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए, ऐसे ध्यान दें कि आप जब इस तरीके से सामने झुकें तो आपकी पूरी की पूरी लोअर बैक पर खिंचाव आए और पेट पर भी इसका अच्छा दबाव आए। अगर ये चीज़ हो रही है और आपको हैमस्ट्रिंग्स पर इफ़ेक्ट मिल रहा है, खिंचाव मिल रहा है, तो आप जितना सामने झुक सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि पेट पर इसका दबाव आए। तो इस तरीके से यहाँ पर शिन बोन पर अपने पाम को रख लें, या अपने यहाँ तक ना पहुँच पाए तो यहाँ तक, अगर पेट पर दबाव मिल रहा है तो यानी आप सही अभ्यास कर रहे हैं, और जितना हो सके अपने सामने की तरफ ऐसे झुकते जाएं और यहाँ पर सांसों को 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें, पोस्चर को भी होल्ड करें, और फिर उसके बाद धीरे 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 सांस लेते हुए दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रख दें। ये तो हुआ सांसों का ध्यान कि आप किस तरीके से पोस्चर को होल्ड करेंगे और सांसों को रोकेंगे। अब तीसरी बार जो मैं अभ्यास बता रही हूँ, इसमें आप सांसों को लेते और छोड़ते रहेंगे और किस तरीके से पोस्चर को कम से कम 30 सेकेंड तक या 1 मिनट तक, इस तरीके से जब आप पोस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं तो अपनी सांसों को लेते और छोड़ते रहते हैं, तो दोनों पैरों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ें, ऐसे गहरी लंबी सांस लें, फिर से लीन बैक हो जाएं, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुके, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ खींचते हुए, अगर पूरा ना झुक पाए कोई बात नहीं, पेट पर जहां पर आपका दबाव है, जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, इस तरीके से या तो पाम को मैट पर रख दें, या अपने शिन बोन पर रखें, या अपने बड़े अंगूठे को पकड़ लें, और सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते हुए अपने सर को अपने घुटने की तरफ ड्रॉप करें, सांस नॉर्मल लेते छोड़ते रहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे सांस लें और दोनों पाम्स को बॉडी के पीछे रखें, बॉडी के पीछे रखें और दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर दें और थोड़ा सा लीन बैक होके स्थिर दंडासन में आराम करें, इसके पहले कि आप अगला पोस्चर करें। या तो आप इस तरीके से आराम करें या कि फिर आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं और शवासन में आराम करें ऐसे, और दोनों पैरों के बीच में फासला कर लें, दोनों पाम्स को सीलिंग की तरफ टर्न कर दें और कम से कम 30 सेकेंड तक या 1 मिनट तक आराम से ऐसे लेटे हुए रेस्ट करें। अब हमने कर लिया पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, नवासन के अभ्यास से नाभि मजबूत हो गई,
पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से पेट पर अच्छा दबाव आ गया। अब हम अभ्यास कर रहे हैं वक्रासन का। वक्रासन के अभ्यास से पेट पर बहुत अच्छा एक ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगा, स्पाइनल कॉर्ड पर एक ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगा, जिससे कि मदद मिलेगी आपके एब्डोमिनल वॉल्स को मजबूत करने में, साथ ही आपकी नाभि की जो मजबूती है वो भी बढ़ेगी। तो कैसे करेंगे वक्रासन का अभ्यास, बहुत सिंपल, पहले बताती हूँ। दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ गए, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ा और राइट पैर के पंजे को लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लिया। कमर गर्दन को सीधी रखिएगा, ऐसे झुकाइएगा नहीं, सामने देखिए। अपनी थाई को चेस्ट के पास रखिए, राइट पैर मुड़ा हुआ है तो राइट पाम को ही बॉडी के ऐसे पीछे रख देंगे। अब लेफ्ट पाम से यानी बाएं हाथ से राइट घुटने को ऐसे पकड़ेंगे। बहुत बिगनर जो लोगों ने पहले अभ्यास नहीं किया ना, और इसी तरीके से सारे कोर्सेस में, सारे क्लास में आपको हर एक चीज़ बहुत आसानी से धीरे धीरे बताई जाती है, ताकि हर एक इंसान इसका अभ्यास कर सके। राइट घुटने को अपने लेफ्ट कंधे की तरफ खींचेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जितना हो सके अपने पेट को खाली कर दें, सांसों को रोकें और पीछे देखें 10 सेकेंड तक। सांसों को रोक के रखें, पॉस्चर को रोक के रखें, पीछे देखते रहें। अब सांसें लें, अपने राइट पैर को सीधा कर दें। राइट पैर साइड से अभ्यास हो गया, अब ये अभ्यास लेफ्ट साइड होगा। और इसी तरीके से मैं ये सारी बारीकियां जो हैं, जो भी वीडियोस में तो आपको कुछ कुछ बारीकियां दिख रही हैं, क्लासेस में और बारीकियों से बताती हूँ, ताकि जो भी इंसान पहले योग का अभ्यास नहीं किया है, कंप्लीट बिगनर है, वो भी आसानी से कर ले उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हर अभ्यास तो हर कोई नहीं कर सकता। अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लिया, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के पास रखा, लेफ्ट हाथ को बॉडी के पीछे रखा, राइट घुटने पर लेफ्ट घुटने पर अपने राइट पाम को ऐसे रखा, सांस लिया गहरी लंबी और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट घुटने को राइट कंधे की तरफ ऐसे खींच के रखें, पॉस्चर को 10 सेकेंड होल्ड करके रखें और सांसें रोक के रखें। सांसों को जब रोक रहे हैं तो पॉस्चर को भी रोक रहे हैं। अब धीरे से पॉस्चर को रिलीज करें, सांस लें और दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करें स्थिल दंडासन। अब चलिए, अगर आप पिछला अभ्यास कर ले रहे हैं आसानी से, तो अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। वक्रासन को और थोड़ा हल्का सा इसमें चैलेंज डालते हैं। अपने राइट पाम को बॉडी के पीछे रखा, लेफ्ट पाम को धीरे से ऐसे छत की तरफ खींचा, सांस लिया और थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे झुक गए, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट पाम से राइट एंकल को पकड़ा और बॉडी के पीछे यानी राइट शोल्डर के पीछे इस तरीके से देख रहे हैं। 10 सेकेंड तक पॉस्चर को होल्ड किया, 1, 2, 3, सांसें भी रोक के रखें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पॉस्चर को रिलीज करें, सांस ले लें, अपने राइट पैर को सीधा कर लें। तो अभी हमने सांसों को रोक के रखा कम से कम 10 सेकेंड। अब इसी तरीके से लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लें, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के पास रखें और अपने अब राइट पाम को बॉडी के ऊपर लाइक छत के ऊपर इस तरीके से खींचें, जरा इस साइड से देखिए ऐसे। तो अपने लेफ्ट पैर आपका मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट पैर को बॉडी के ऐसे पीछे रखें, गहरी लंबी सांस लें, छत की तरफ ऐसे खींचें अपने राइट हाथ को, सांस लिया और धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरा देखिए ऐसे ट्विस्ट करें, पहले ट्विस्ट करते हुए फिर उसके बाद अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ लें राइट हाथ से, राइट पाम से और पीछे देखें, सांसों को रोक के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 रिलीज कर दे पॉस्चर को। तो ये तो हुआ 10 सेकेंड पॉस्चर को होल्ड किया, ब्रीदिंग को भी होल्ड करके रखा। अब अगर क्या हो कि अगर आप ज़्यादा देर तक पॉस्चर को होल्ड करना चाहते हैं तो उस वक्त सांसों की स्थिति क्या होगी, तो पहले दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया, राइट पैर को घुटने से मोड़ा, राइट पाम को बॉडी के पीछे रखा, लेफ्ट पाम को धीरे से छत की तरफ खींचा, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक गए, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपने राइट एंकल को पकड़ लिया इस तरीके से, पीछे देख रहे हैं, सांसें नॉर्मल लीजिए और छोड़िए। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सांसें नॉर्मल ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और पॉस्चर को भी हमने रिलीज कर दिया और दोनों पैरों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लिया। तो ये अभ्यास राइट साइड से हो गया। अब यही अभ्यास हम लेफ्ट साइड से करेंगे। तो आप देख रहे हैं पॉस्चर को, आप जितनी देर तक होल्ड करें, सांसों को नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। 5 से 10 सेकेंड जब आप रोक रहे हैं तो सांस लें, छोड़ें, पीछे देखें और पॉस्चर को कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें, अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेके जाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने पेट पर, जो खिंचाव मिल रहा है? ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें और जितना पीछे देखेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आपके गर्दन पर, कंधे पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, पेट पर देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत रामबाण इलाज है आपकी डाइजेशन की समस्या के लिए, साथ ही स्पाइनल डिसऑर्डर और कंधे और सर्वाइकल का प्रॉब्लम के लिए। अब धीरे से सांस लें और अपने पॉस्चर को रिलीज करें। तो इस तरीके से अभ्यास करने के बाद फिर से आप शवासन में लेट जाएं और थोड़ी देर आराम करें। ऐसे दोनों पैरों के बीच में फासला कर लिया है ना, और अपने दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रख दिया और आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। देखा आपने कितना आसान था ना इन योग आसनों का अभ्यास। इनको आपको हर दिन अभ्यास करना है ताकि आपकी एब्डोमिनल वॉल्स मजबूत हो, डाइजेशन अच्छा हो, आपके पेट का कनेक्शन, आपके गट का कनेक्शन आपके माइंड के साथ और भी मजबूत हो, ताकि आपका डाइजेशन और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो, ना भी इधर उधर ना हिले बहुत जल्दी जल्दी और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्टेड टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मैं अगली वीडियो बनाऊं। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके इस लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। नमस्ते।